छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल में दी गई वैट टैक्स की वैट खत्म करने के बाद कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वहीं भाजपा ने जगदलपुर शहर के गोला बाजार में पेट्रोल डीजल के दामों में 4% वैट टैक्स बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने कहा कि सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में 2.5 रुपए की वृद्धि करने से आम जनता पर इसका बोझ पड़ेगा। प्रदेश की सरकार कांग्रेस की सरकार ने जो वैट टैक्स जो बढ़ाया है डीजल पेट्रोल में, इसको विरोध में एक दिन का ही अपना धरना के रूप में, एक विरोध के रूप में भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इसको जो टैक्स लगाई है उसको वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी ने चुनाव से पूर्व जनता से जो वादा किया था उन वादाओं के खिलाफ जिस प्रकार से आज जनता के ऊपर इन्होंने 4% वेट टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल डीजल के दामों में 2.5 रुपए के आसपास की वृद्धि हुई है, जिससे कि आम जनता के ऊपर में एक बोझ पड़ा है। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर आज अपना विरोध प्रदर्शन करता है और राज्य सरकार से मांग करता है कि वो इस प्रकार से जनविरोधी फैसला को अपना वापस ले